बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक। आज हम सुबह काफ़ी देर से उठे हैं क्योंकि कल रात वो काफ़ी बिजली बंद रही है। कल बारिश हो रही थी, इसलिए हमारी जो पिछली हमसे गली है उसका ट्रांसफार्मर चल गया है, तो फिर हमारी बिजली काफ़ी सारी रात तकरीबन बंद ही रही है। तो वो फिर नींद ही नहीं आ रही थी गर्मी में। फिर सुबह हम देर से ज़रा उठे हैं और फिर हमने नाश्ता वगैरह किया है। और अब मैं सोच रही हूँ कि बारिश की वजह से काफ़ी गंद पड़ गया है पूरे घर में, तो मैं क्यों ना सफाई कर लूँ। आज जो मेरी वीडियो है वो आपको आई होप पसंद आए, क्योंकि आज मैं पूरे घर की सफाई करने लगी हूँ और डस्टबिन भी करूँगी। चले स्टार्ट करते हैं। ये देखिए घर जो है वो सारा बिखरा पड़ा है, इसलिए मैं सफाई करूंगी। ये सारी जितनी भी सेटिंग है वो मैं करूंगी। हर चीज़ इधर से उधर है। इन सब चीज़ों की मैं सेटिंग करूंगी और अच्छी तरह मैं सफाई करूंगी। सीढ़ियों को सबसे पहले मैं साफ़ करूँगी। ये देखिए मैं अब सीढ़ियों की सफाई करने लगी हूँ। ये देखिए मैंने सीढ़ियों पे झाड़ू दे दिया है, सीढ़ियों का जो एरिया है वो बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब मैं इस एरिए पे झाड़ू दूंगी, इस एरिए की मैं सफाई अच्छी तरह करूंगी। बारिश की वजह से ना काफ़ी गंद हो गया है हमारे घर। जब भी बारिश होती है तो फिर काफ़ी गंद पड़ जाता है। अब ये देखिए मैंने तकरीबन हाफ़ बरामदे की कर दी है सफाई, और अब तकरीबन थोड़ी सी हो रही है सफाई ख़त्म होने वाली है। फिर इसके बाद मैं कमरों की सफाई शुरू करूँगी। बरामदे की जो है मैंने वो सफाई कर ली है, अब वो कंप्लीट हो गई है सफाई मेरी। अब ये देखिए मैं कमरे की सफाई करने लगी हूँ। ये देखिए कमरे में कितना गंद पड़ा हुआ है, रैपर वैसे वैसे पड़े हुए हैं इधर उधर और कोई सेटिंग नहीं है कमरे की। तो मैं ये सारी सफाई करूंगी और कमरे को अरेंज करूंगी। ये मेरा कमरा है। अब ये देखें ये जो इस पर बेडशीट थी वो मैंने धोने के लिए दे दी अपनी सिस्टर को। मेरी सिस्टर जो है वो आज कपड़े धो रही है। और ये चारपाई है यहाँ रखी हुई, मैं इसको भी ठीक करूंगी, इसको भी उठाऊंगी यहाँ से। और बाकी सारा यानी कि जितना भी अरेंज करना है वो मैं कमरा अरेंज करूँगी और इसकी सफाई करूँगी, क्योंकि इसमें भी काफ़ी मिट्टी लग रही है मुझे। अब ये देखिए मेरे कमरे में से भी कितनी ज़्यादा मिट्टी निकल रही है, बहुत ज़्यादा मिट्टी है यहाँ भी। और वैसे भी अब देखिए मैंने ये बेड के नीचे भी ये अच्छी तरह ये झाड़ू दिया है, इधर सोफे के नीचे भी मैंने अच्छी तरह झाड़ू दिया है। जो बंदा काम खुद करता है अच्छी तरह, वो अब वो मेड इतनी अच्छी तरह नहीं कर सकती, वो तो बस जल्दी जल्दी में होती हैं, वो इतनी अच्छी तरह नहीं कर सकती। और वैसे भी बंदे की सेहत भी ठीक रहती है, एक किस्म की हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए। वैसे किचन देखें, किचन बहुत ज़्यादा ये मिट्टी है। और ये देखें स्लैब, स्लैब की मैं अब डस्टिंग करूँगी। पहले मैं झाड़ू दे देती हूँ सारे घर में, फिर उसके बाद मैं डस्टिंग करूँगी। देखिए यहाँ गिराज है, बाकी मैंने कमरों की और बरामदे की सफाई कर ली है।
और ये अब गैराज है, और गैराज में देखें कितना गंद पड़ा हुआ है और मट्टी मट्टी है और रैपर ही रैपर है। तो अब मैं इसकी सफाई करूँगी। ये देखें मैंने झाड़ू दे दिया है पूरे घर में। अब मैं अपनी सिस्टर के रूम से ये डस्टिंग शुरू करूँगी, सेटिंग करूँगी। ये देखिए कितना ये तकिए वगैरह रखे हुए हैं यहाँ, तो ये मैं सारे सेट करूँगी यहाँ। और मिट्टी भी बहुत ज़्यादा है टेबल पे, तो ये भी मैं साफ़ करूँगी अच्छी तरह और इसकी सेटिंग करूँगी। ये देखिए आयत का घोड़ा, ये इसने कहाँ रखा हुआ है, इसको मैं बाहर रखूँगी अब उठा के। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मैं झाड़ू दे रही थी ना, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, लेकिन क्या करें, अब सफाई तो करनी है ना, ये तो लाजमी है और सफाई तो निस्फ ईमान है। चले अब मैं डस्टिंग स्टार्ट करती हूँ। मैं ये तकिए वगैरह सारे उठाती हूँ यहाँ से, इसको मैं बेड पे रखती हूँ। ये देखिए मैंने अब तक ये उठा दिए हैं यहाँ सोफे से। अब मैं डस्टिंग करूँगी, बहुत ज़्यादा मिट्टी है यहाँ। अब ये मेरे कमरे में सारी सेटिंग इधर की उधर हुई है और डस्टिंग में करूँगी, काफ़ी मिट्टी है यहाँ। अब मैं इसकी सेटिंग वो स्टार्ट करती हूँ और इसकी डस्टिंग करना शुरू करती हूँ। मैं किचन की जो डस्टिंग थी करनी, वो मैंने अब कंप्लीट कर ली है। किचन की मैंने अच्छी तरह डस्टिंग कर ली है। और सेटिंग भी कर दी है यहाँ, काफ़ी स्लैब पे चीज़ें वगैरह बिखरी पड़ी थी, अब मैंने सेट कर दी। ये देखिए डस्टिंग जो है वो मेरी हो गई और मैंने सेटिंग भी कंप्लीट कर दी है। कमरे की जो सेटिंग थी, ये सोफ़े पे सरहाने वगैरह थे, तो मैंने ये सारे सेट कर दिए हैं, साफ़ भी कर दिया है सोफ़ा वगैरह। टीवी वगैरह को मैंने साफ़ कर दिया है, ये टेबल्स वगैरह को साफ़ किया है अच्छी तरह। ये देखिए डस्टिंग जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है और मैंने सेटिंग भी कर दी है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।